बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास BBA फ्रॉम GC मसमनसरा, मोस्ट वेलकम इन द फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। मे वी आल सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, अगरचे काफ़ी कीमती वक्त ज़ाया हो चुका है, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह अल्लाह हेयर करेगा। मैंने मॉर्निंग वाले स्टूडेंट को कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, एक दो क्लासेज हुई थी, मुझे याद आ रहा है। लेकिन चूंकि मुझे चुटी साहब ने कहा है कि इवनिंग के स्टूडेंट्स को भी आप अपने ग्रुप में शामिल कर लें, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है, चूंकि आपके एग्ज़ाम्स हमने खुद लेने होते हैं, तो इसको सिलेबस को मैं कवर कर लूँगा। सब्जेक्ट कोर्स का नाम क्या है जी? मार्केटिंग रिसर्च। टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा अगर लफ्ज़ रिसर्च पर बहस कर ली जाए कि ये रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज़ अ केयरफुल स्टडी। किसी भी चीज़ को हम जब मुहतात रहकर स्टडी करते हैं तो असल में हमारी रिसर्च होती है जी, ठीक है। टू द पॉइंट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज़ दिस। अब बैकग्राउंड के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च दो तरह की होती है। एक होती है जी बेसिक रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू इंक्रीज दी नॉलेज। इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ योर बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। जब आप अपने इल्म की हदूद में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं, जब दुनिया इजादात करने की कोशिश करती है, देखें जैसे लोग चांद पर गए, इट वॉज सिंपली अ टाइप ऑफ बेसिक रिसर्च। यानी इट इज़ कंडक्टेड टू इंक्रीज योर इंफॉर्मेशन, इट इज़ कंडक्टेड टू इंक्रीज योर नॉलेज, तो दिस वॉज बेसिक रिसर्च। सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च इज़ अप्लाइड रिसर्च। लफ्ज़ खुद बता रहा है अप्लाई। अ केयरफुल स्टडी विच इज़ यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यानी जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मसले का हल तलाश करने के लिए जब आप स्टडी करते हैं ताकि ये मसला हल हो सके, तो डेट रिसर्च इज़ नोन एज अप्लाइड रिसर्च। सिंपली वी कैन से डेट दिस स्टडी इज़ यूज टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, सो डेट दिस इज़ अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च क्या है जी? अप्लाइड रिसर्च। अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च, ये दोनों टाइप में से किस टाइप से इसका ताल्लुक है। तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग रिसर्च जो है ये भी मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स को, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। सिंपली मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ कैटेगरी ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब आएंगे डिफिनेशन की तरफ, चूँकि पहला लेक्चर है, डिफिनेशन आनी इंतहाई ज़रूरी होती है ताकि बाद में आपको टॉपिक ईजीली समझ आ सकें। मार्केटिंग रिसर्च कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू मेक डिसीजन अबाउट इट्स एनवायरमेंट एंड मार्केटिंग मिक्स एट्सेट्रा। यानी मार्केटिंग रिसर्च में वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम अवामिल शामिल होते हैं जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाते हैं कि वो तमाम अपनी ज़रूरत की मालूमात, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में, अपने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, अपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट डिसीजन किए जा सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ टूल टू गेट द नीडेड इंफॉर्मेशन, टू गेट द कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, एंड दीज इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल, एंड दीज इंफॉर्मेशन आर यूज टू डिसाइड अबाउट कंपनी इन्वायरमेंट, अबाउट मार्केटिंग मिक्स। अब कंपनी इन्वायरमेंट क्या होता है जी? जैसे देर आर टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर अगर डिटेल में बात कर ली जाए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, ये इंसान इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो कंपनी अपने इन्वायरमेंट के बारे में फैसले करती है जी, इसी तरह मार्केटिंग मिक्स के बारे में फैसले करती है, और किस बेस पर करती है? इन्फॉर्मेशन्स की बेस पर। कौन सी इन्फॉर्मेशन्स? वही इन्फॉर्मेशन जो आपने मार्केटिंग रिसर्च की मदद से कलेक्ट की थी। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, किस कीमत पर बनाएं, उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट क्या हो, और उनको कैसे पहुँचाया, कैसे डिलीवर किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे फैसले उन इन्फॉर्मेशन्स की बुनियाद पर किए जाते हैं जो हमें मिलते हैं जी, किस में? मार्केटिंग रिसर्च में। हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ द बेसिस ऑफ फर्दर प्लानिंग,
हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च आपकी प्लानिंग का एक तरह से सिंपली बेस है। क्लियर। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से बात करते हैं जी।